मैं आपको तबलीगी बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन जाकर के इनके अमाल को देख लो, जाकर के इन फकीरों की फरियाद को भी सुन लो, इनके अमाल को भी देख लो। ये टाई लगाने वाली जमात नहीं है, ये सलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाली जमात नहीं है, ये हुकूमत के नमक खोर भी नहीं है, ये लोगों से बटोरने वाले नहीं है। इसमें जनरल भी है, कर्नल भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, मिस्कीन भी है, जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर दी है, जो ठोकर खा रहे बिस्तर उठा उठा करके पूरी दुनिया में, जाकर के देख लो। आपसे मेरी अपील यही होगी, जाकर के इनको देख लो, कहते क्या है, कोई तफरुकबाजी नहीं है, न कोई देवबंदियत का नाम होगा, न बरेलवी का नाम होगा, न शिया का नाम होगा, न जमात इस्लामी का। एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत होगी, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत होगी, एक दावत होगी कि अपने खालिक को पहचान लो, एक दावत होगी कि आप अल्लाह से किस तरह, अल्लाह का कुर्ब हमें किस तरीके पर हासिल हो जाए। कोई इस किस्म का नहीं, देवबंदियत कोई मजहब नहीं है, कोई कहता तो झक मारता है, देवबंद हमारे अकाबरीन का एक मदरसा है, इदारा है, वहां से तो कोई देवबंद से जो नहीं पढ़ा तो वो सारे जहन्नमी है क्या? देवबंदी कोई मजहब नहीं है, मजहब अहले सुन्नत वल जमात है। अहले सुन्नत वो है नबी के तरीकों को सीने से लगाने वाले, नबी के सुन्नतों को मजबूती से पकड़ने वाले, अल जमात वो है कि सहाबा की जमात के साथ जुड़ने की कोशिश करे, सहाबा के अमाल को देखे। हम अहले सुन्नत वल जमात है, देवबंदी कोई मजहब नहीं है, कोई देवबंदियत का नाम नहीं लेगा, बरेलवियत का नाम नहीं लेगा, जमात इस्लामी का नाम, अहले हदीस का नाम नहीं लेगा, जाकर के इनको देख लो, इनके अमाल को देख लो। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश होगी कि साथी अगर तीन दिन नहीं लगा सकते तो कुछ तो बयानों में जाकर के शरीक हो जाओ, कुछ बयानों में जाकर के शरीक हो जाओ। ये वक्त भी अपना खर्च कर रहे हैं, पैसे भी अपना खर्च कर रहे हैं, जान वक्त लगा रहे हैं, किस तरह इनकी कुर्बानी है, और जाकर के देख लो, तीन दिन वहां रह भी लो, और रात के किसी हिस्से में भी उठो कि कोई रोने वाला आपको न मिले वहां पे। फिर उसके बाद समझ लेना, उसके बाद समझ लेना कि तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करने वाले आर्मी नहीं है, और तुम्हारे चीफ वाले नहीं है, और तुम्हारे अल्लाह का भला कर रेंजर वाले भी नहीं है, तुम्हारे पुलिस भी नहीं है, तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करने वाले यही लोग हैं। आज भी जाकर के देख लो, तीन चार दिनों के अंदर रात के किसी भी हिस्से में उठो और उन बगैर रोने के कोई आपको मिले। उस मैदान के अंदर सोने वाले भी मिलेंगे, खर्राटे लेने खर्राटे वाले भी आपको मिलेंगे, लेकिन आधी रात को इंशाल्लाह रोने वाले भी आपको मिलेंगे। जब रोने वाले मिलेंगे वो आपके लिए नहीं रो रहा, मेरे जेब पर उसकी निगाह नहीं, इसके लिए नहीं रो रहा, वो ना आपसे कुछ ले रहा है, वो पिंडाल के अंदर पड़ा हुआ जो रो रहा है। जब वो रो रहा है तो फिर अल्लाह के इस घर में कसम उठा कर कह दो कि इस दुनिया को चलाने वाले यही लोग हैं। जब वो मेरे लिए और आपके लिए जब रोते ना आधी रात को उठ उठ करके, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, कातिलों के लिए दुआ करते, लाखों कातिलों को और बेहिया और जानियों को राह रास्त पर लाने वाले लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी तलख कर दिए मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए मेरे भाई जान, मुझे और आपको थोड़ी तवज्जो करनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको दाई इल्लल्लाह बना दे।